नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर शहर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र के चिरगांव में रहने वाली एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पुलिस ने 20 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। सुनीता नामक महिला के मायके पक्ष के लोग मंगलवार को होने वाली पुलिस अधीक्षक की जनसुनवाई में पहुंचे और उन्होंने मृतिका सुनीता के ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की। पुलिस ने पीएम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही है। मामला चिरगांव का है, जहां 4 अगस्त को विवाहिता सुनीता देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। घर वालों का कहना है कि सुनीता को उसके ससुरालियों ने गला घोट के मारा है। बाद में उसे फांसी पर लटकाने की कोशिश की। जब वह राजस्थान के धौलपुर से ग्वालियर पहुंचे तो उन्हें सुनीता की लाश जमीन में पड़ी मिली। जमीन पर खून के निशान थे, लेकिन पुलिस ने अपने पंचनामा में इन निशानों का जिक्र नहीं किया है। क्या सर? सूरज नाम है मेरा। क्या हुआ था, कैसे, क्या मौत? सर महाराज, वो मेरी बुआ की 2014 में शादी हुई थी महाराज यहाँ गिरगांव ग्वालियर, और हमने मामला भी दर्ज कराया था धौलपुर उसमें न्यायालय में, और मारापुरा में थाना मामला दर्ज कराया था, लेकिन मारापुरा थाना कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सर मिले क्या बोला? एसपी साहब ने बोला कि मिलागरण जाओ, वहाँ पर आश्वासन दिया जाएगा आपको। स्थिति में आपको अपनी बुआ की बॉडी मिली थी? सर खून उसके खून के निशान मिले थे नीचे, लेकिन पुलिस ने खून के निशानों को उठाया नहीं था। सर ये घटना है 4 तारीख की, 8वां महीना 2022 की घटना है। सर बुआ का नाम क्या है? बुआ का नाम सर सुनीता है। कौन कौन ने मारा था? कौन? सोनू और योगेंद्र उसका पति, और राम सेवक उसका चाचा, और उसकी जटानी पूजा। काय के लिए परेशान करते थे? क्या कहते थे? दहेज प्रथा के लिए। सर कितने क्या मांगते थे दहेज में? 5 लाख रुपए और 1 स्कॉर्पियो की मांग करते थे। शादी में कितना क्या खर्चा हुआ था? शादी में खर्चा हुआ था उस, हमने पहले भी दिया था 1,60,000 रुपये दिए थे, और 1 लर अंगूठी दी थी। तुम कहाँ रहते? धौलपुर राजस्थान गाँव मोरौली। ये जो एक पति पत्नी का जो था मैटर, इसमें ये पार्टी राजस्थान में जो नज़दीकी ज़िले है वहाँ से हैं, और इसमें उनकी बेटी की आकस्मिक मृत्यु हुई थी, जिसकी जांच महाराजपुरा थाने में हो रही है। तो पीएम रिपोर्ट आए हुए अभी कुछ 2 दिन हुए हैं, तो इसमें आज जांच संपन्न कराकर आज ही अपराध, जैसा भी अपराध दर्ज होता है वह किया जाएगा।